उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में ज्ञान व्यापी मस्जिद के मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही है। इस बीच आज से देवबंद में मुस्लिम निकायों के 2 दिन के अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत जमीयत उल ए हिंद मदीन गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद मौलाना महमूद असद मदीन ने अधिवेशन का झंडा फहराकर की। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 3 स्तर आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन में ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा अहम चर्चा का विषय होगा। इस अधिवेशन में 25 राज्यों से लगभग 2000 मुस्लिम संगठनों के लोग शामिल होंगे, लेकिन आम जन शिरकत नहीं कर सकेंगे। इसमें प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। इस अधिवेशन में मुस्लिम शिक्षा और मुस्लिम महिलाओं के उत्थान पर चर्चा होगी। इसके साथ ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ज्ञान व्यापी कुतुब मीनार और ताजमहल जैसे मुद्दे भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में देश के मौजूदा हालात और ज्ञान व्यापी समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों को लेकर बढ़ रहे विवाद, कॉमन सिविल कोड, मुस्लिम वर्फ बोर्ड आदि पर चर्चा विशेष होगी। अधिवेशन के लिए 5 बीघा जमीन में पंडाल लगाया गया है और पंडाल में गर्मी का ध्यान रखते हुए इंतजाम किए गए हैं। देश भर से आने वाले उलमाओं की सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। DM अखिलेश सिंह सहित अन्य अधिकारी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।